हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैश टोन सीक्वेंस का प्रोग्राम देखेंगे पाइथन में। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल हम 5 को लेते हैं, तो 5 चूंकि एक ऑड नंबर है तो ऑड क्या हो जाएगा, 5 × 3 + 1, यानी जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई 3 से करेंगे प्लस 1, यानी 16 आ गया। 16 चूंकि इवन नंबर है तो इवन नंबर जब आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, यानी 16 / 2 = 8 आ गया। 8 क्या है, इवन नंबर है तो फिर से ये डिवाइडेड बाई 2 होगा, चूंकि इवन है तो डिवाइडेड बाई 2 = 4 हो गया। 4 क्या है, आपका इवन नंबर है तो 4 / 2 = आपका क्या हो गया, 2 हो गया। 2 आपका इवन नंबर है, 2 / 2 = 1 हो गया, सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट, जब 1 आएगा तो 1 के बाद अगर होता है तो 1 × 3 + 1 = आपका क्या हो जाएगा, 4, सिंपल। फिर 4 / 2 = 1 हो जाएगा, फिर 2 / 1 = 1 होगा। ये प्रोसेस बार बार चलेगा जब 1 के बाद का कंडीशन जो आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस बार बार 1 फिर 4 होगा फिर 2 होगा फिर 1 होगा। इसलिए क्या होगा, ये सीक्वेंस कब तक चलेगा, जब तक कि इसका वैल्यू 1 होता है, यानी तब तक, सिंपल। अब आते हैं प्रोग्राम में। तो इसको हम जितने तरह से कर सकते हैं उसको ट्राई करेंगे। पहले तो हम प्रिंट करेंगे, फिर इसको हम एरे के हिसाब या लिस्ट के हिसाब से रिटर्न करके प्रिंट करेंगे। इसका हम काउंटिंग देखेंगे कितना स्टेप इसमें रिक्वायर्ड होता है सीक्वेंस का। तो सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं def हेल्टोन, और ये नंबर हम पास करते हैं नम, जो जिससे हमें जिसका हमें सीक्वेंस निकालना है उसको हम पैरामीटर के थ्रू पास कर दिए। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हम प्रिंट कर देना होगा नंबर को नम, और प्रिंट करने के बाद एंड विथ कर देंगे हम स्पेस, यानी एक नंबर जैसे ही प्रिंट हो उसके बाद स्पेस लगना चाहिए। यानी जो हम देख सकते हैं सीक्वेंस का स्टार्टिंग क्या है, आपका 5 है, फिर 16 है, फिर आपका 8 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो जो ये है तो इसका यानी फर्स्ट टाइम चूंकि 5 है इसलिए हम 5 को पहले प्रिंट कर दिए। प्रिंट करने के बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे, व्हाइल नम ग्रेटर देन 1, जब तक कि नम का वैल्यू 1 से बड़ा रहता है तब तक ये लूप चलेगा। पहला कंडीशन क्या होगा, नंबर इवन है या ऑड है उसको चेक करना है। अगर इवन है तब इफ नम मॉडुलस 2 = 0, अगर इवन है तब उस कंडीशन में क्या करो आप, नम इक्वल टू इंट नम डिवाइडेड बाई 2, सिंपल, और प्रिंट कर दीजिए नम को। नम को प्रिंट कर दिए, एल्स अगर नंबर इवन नहीं है तो, यानी इवन है तब तो आप डिवाइड करो 2 से, अगर इवन नहीं है तो उस कंडीशन के लिए क्या करो, नम इक्वल टू आपका हो जाएगा नम इंटू 3 + 1, और इसको फिर से प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दिए, अब सिंपल हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले यूजर इनपुट करेंगे तो इंट, इंटीजर टाइप इनपुट करेंगे तो इंटर एनी नंबर, नंबर हम यूजर से इनपुट करवा दिए और उसको हम कॉल कर देते हैं फंक्शन से नम। अब हम देखते हैं 5 का इनपुट करके, 5 तो 5 में देख सकते हैं 5 है, फिर 16 है, फिर 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। तो इसमें एक एक लाइन में आ रहा है, उसका रीजन है यहाँ पे आप सिंपल कर दीजिए, सबको एंड विथ कर दीजिए स्पेस स्पेस, और नीचे वाला को भी कर देते हैं हम एंड विथ स्पेस। तो ये आप सीरीज देख सकते हैं 5, 16, 8, 4, 2, 1, सिंपल है। अब इसका हम सिंपल प्रिंट किए, हम चाहते हैं एक लिस्ट में ऐड करके जिसको बाद में हम यूज कर सके सीक्वेंस को, तो उसके लिए हम लिस्ट में ऐड करेंगे। तो लिस्ट में ऐड करने के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, एक लिस्ट बनाना होगा, ए लिस्ट बना दिए सिंपल। जैसे ही लिस्ट बना दिया प्रिंट को हटा देते हैं, ए डॉट अपेंड कर देते हैं नम को, यानी फर्स्ट टाइम जो नंबर है उसको हम लिस्ट में ऐड कर दिए। उसके बाद जितना भी प्रिंट है जहां भी हम कंडीशन लगा रहे हैं वहां पे क्या करेंगे, हम उसको अपेंड करेंगे, ए डॉट अपेंड नम।
जैसे ही आपका इवन नंबर का प्रोग्राम इवन नंबर का कंडीशन पूरा करेगा नम ऐड हो जाएगा, फिर ऑड नंबर का कंडीशन पूरा होगा तो ऐड हो जाएगा ये डॉट अपेंड नम। सिंपल नम ऐड करने के बाद सिंपल जब पूरा प्रोग्राम हो जाएगा तब रिटर्न कर दो ये जो लिस्ट है उसको। अब क्या है चूंकि हम लिस्ट से रिटर्न करवा रहे हैं तो इसको हमें प्रिंट करना होगा, तो प्रिंट कर देते हैं हम प्रिंट। एक एक पूरा स्टेप समझिए कैसे आप प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही अब हम देंगे 5 तो 5 का आप देख सकते हैं एक लिस्ट के हिसाब से आ रहा है 5 16 8 4 2 1। 7 का अगर देखते हैं तो 7 का ज्यादा लंबा आएगा तो 7 हम देख सकते हैं 7 का देख सकते हैं। तो सिंपल है, अब क्या करना है हमें काउंटिंग करना है कितना स्टेप होता है। तो फर्स्ट स्टेप तो यहां से ही स्टार्ट होता है चूंकि नम ऐड हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले तो जहां पर हम लिस्ट डिक्लेयर किए हैं वहां एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सी। ये काउंटिंग के लिए हम स्टेप रखेंगे और सी इक्वल टू कर देंगे C+1। सिंपल, जब जब हम ऐड कर रहे हैं वहां मेरा क्या होगा स्टेप बढ़ रहा है तो C+1। फिर क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा आपका C=C+1। सिंपल, अब चूंकि हम यहाँ A को रिटर्न ऑलरेडी कर चुके हैं तो C के लिए अलग तो फंक्शन बार बार फंक्शन बनाएंगे और बार बार करेंगे तो इससे कोड काफी लंबा होगा, तो इसके लिए हम सिंपल C को यहीं रिटर्न करते हैं कॉमा में। अब हमें ध्यान रखना है चूंकि हम 2 रिटर्न किए हैं यहाँ, अगर हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट अब देख सकते हैं आप प्रिंट करके प्रिंट हम 5 को करते हैं तो 5 प्रिंट हो रहा है ऑलरेडी आप देख सकते एक साथ में जो लिस्ट तो प्रिंट हो रहा है साथ में क्या है आपका जो नंबर ऑफ स्टेप है वो भी प्रिंट हो रहा है 6। सिंपल, अब हमें क्या करना है इसको अलग से प्रिंट करना है तो उस कंडीशन के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां आप कर दीजिए काउंट एक वेरिएबल दे देते हैं कॉमा सीक्वेंस वेरिएबल दे दिए इक्वल टू हम जो फंक्शन हम क्रिएट किए थे उसको कॉल कर देते हैं। अब ध्यान रखना है काउंट, चूंकि हम काउंट पहले दिए हैं तो काउंट के लिए हमें क्या होगा पहले काउंट को रिटर्न करना होगा, तो हम पहले काउंट को रिटर्न करते हैं और बाद में सीक्वेंस यानी ए को रिटर्न करते हैं, जो हम लिस्ट बनाए हैं उसको रिटर्न करते हैं। अब आते हैं प्रिंटिंग पे, कैसे हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए हम सिंपल मैसेज देते हैं प्रिंट एलस्टोन सीक्वेंस कॉमा जो सीक्वेंस है वेरिएबल उसको हम दे देते हैं सीक्वेंस हो गया, और जो काउंटिंग है यानी नंबर ऑफ स्टेप तो प्रिंट स्टेप्स या काउंटिंग जो है उसको हम चूंकि काउंट से दे देते हैं यहां हम कॉमा दे देते हैं। अब जब हम रन करेंगे तो देख सकते हैं दोनों मेरा अलग अलग आएगा, 5 का 6 आ रहा है और 7 का अगर हम देखते हैं 7 का तो नंबर ऑफ स्टेप आप देख सकते हैं 7 का 17 आ रहा है, 5 का 6 और 7 का 17 आ रहा है। सिंपल लॉजिक है, लॉजिक ध्यान रखना हमेशा क्या है पहले तो आप नम को प्रिंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में नम आपका प्रिंट कर देते हैं और चूंकि एक स्टेप हो जा रहा है तो उस कंडीशन के लिए हम क्या किए हैं C+C=C+1 कर दिए हैं। अब दो कंडीशन हमें देखना है, नंबर अगर ऑड होता है तो उस कंडीशन के लिए और इवन होता है तो उस कंडीशन के लिए, और यहाँ इंट जो हम दिए हैं ये आप डेसिमल के लिए दिए हैं यानी इंटीजर वैल्यू होना चाहिए डेसिमल नहीं हो उसके लिए, तो इंट नम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू हो गया आपका जो आएगा उसको ए डॉट अपेंड यानी जो इवन कंडीशन में आता है उसको भी अपेंड कीजिए, और जैसे ही इवन कंडीशन में अगर वर्क करता है तो उस कंडीशन में सी का वैल्यू 1 बढ़ेगा यानी नंबर ऑफ स्टेप बढ़ेगा। फिर क्या होगा ऑड कंडीशन में अगर होता है तो उस कंडीशन में भी आप ए डॉट अपेंड यानी ऑड कंडीशन में जो आता है नम इनटू 3+1 उसको ए जो लिस्ट है उसमें ऐड करेंगे और एक स्टेप बढ़ाएंगे। दो रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न करने समय जब दो फंक्शन में हम दो रिटर्न करेंगे तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना है जो फर्स्ट रिटर्न किसको किए हैं और सेकेंड रिटर्न किसको किए हैं, तो यहाँ हम फर्स्ट काउंटिंग को रिटर्न किए हैं तो काउंट हम एक वेरिएबल दिए हैं और कॉमा जो सीक्वेंस है उसको सेकंड में रिटर्न किया है तो सीक्वेंस दिए हैं यानी काउंट को जब कॉल करेंगे तो जो आपका हेस्टन सीक्वेंस का जो ए है सॉरी सी वैल्यू है वो रिटर्न करेगा प्रिंट करेगा, और जब हम सीक्वेंस को कॉल करेंगे तो उस कंडीशन में ए को प्रिंट करेगा। इस तरह हम आसानी से हेस्टन सीक्वेंस का प्रोग्राम बना सकते हैं पाइथन में। फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो।